हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए माय वाइफ इज दाजी का एपिसोड नंबर 02। और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो दाजी होती है, हमने देखा था लास्ट एपिसोड के एंड में कि दाजी मुर्गे को पकड़ी होती है साइड में चाकू, और जीशो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। दाजी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये जो मुर्गा होता है वो हिलने लगता है और जीशो को मारने लगता है अपने पैर से, पर दाजी इसको पीछे खींचती है और कहती है मेरा इन्हीं से दूर रहना वरना मैं तुम्हें यहाँ पे तल के खा जाऊँगी। और तभी जीशो से उसको देखता है और कहता है भाई ये कितनी डरावनी है। और वो मुर्गा भी काफ़ी डरने लगता है, मुर्गा या मुर्गी पता नहीं, मुर्गी है शायद से, हाँ। और तभी हम देखते हैं जो जीशो होता है वो ये सब छोड़ता है और सामने की तरफ देखता है, घड़ी की तरफ देखता है और कहता है अरे नहीं यार, मैं शायद से लेट हो गया हूँ और मेरे को अब जाना पड़ेगा। और वो दाजी से कहता है दाजी अब मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, अब मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा और मैं जा रहा हूँ। और इसी के साथ जो जीशो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। दाजी कहती है कि स्कूल ये क्या होता है, तभी जीशो उसको बताता है कि ये जो स्कूल होता है वो बिल्कुल एकेडमी जैसा होता है। और वो जाने लगता है, दाजी कहती है कि मैंने सुना है कि वहाँ के टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट को बहुत मारते हैं, हाथों पर मारते हैं। तो जीशो कहता है आजकल के मतलब टीचर्स ऐसे नहीं है, वो काफ़ी अच्छे होते हैं और अच्छे से बर्ताव करते हैं। दाजी कहती है कि मेरे को भी आपके साथ जाना है, पर जीशो उसको मना कर देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे घर का ध्यान रखना और मैं तुमको तुम्हारे हवाले पर ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तभी जो जीशो होता है वो जाता है स्कूटर के पास और कहता है, जीशो कहता है कि मेरे को इस डीमन की समझ में नहीं आती है, तो मेरे को खाने को दौड़ती है और मेरे को उससे कभी कभी डर भी लगता है। और वो कहता है कि मैं जैसी और हाँ, मैं तो अपना जो पिगी बैंक है गोल्डन पिगी बैंक वो तो मैं अपने घर पे भूल गया, और अब मेरे को दाजी से उसको बचाना भी होगा वरना वो दाजी पता नहीं उस पिगी बैंक के साथ क्या करेगी। तो मेरे को अपने पिगी बैंक को बचाना है और जैसे ही मैं स्कूल से वापस आऊँगा तो मैं साथ ही में अपने पिगी बैंक को लेकर अपने सामान को लेकर इस दुनिया से दूर चला जाऊँगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ वो चल पड़ता है स्कूल की तरफ, जो कि यंग जियांग हाई स्कूल होता है शायद से, नाम लेने में गलती हुई तो माफ़ करना, आप देख सकते हो। और तभी जो जीशो होता है वो स्कूल के अंदर एंट्री लेता है धमाकेदार स्कूटर के साथ, और तभी वो अपने स्कूटर को वहाँ पे लगाने लगता है। और तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और जीशो से कहता है हे जीशो कैसे हो यार। और यहीं पे जो वो मतलब सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि वो एक आप खुद ही देख सकते हो लेफ्ट साइड में, और वो उससे कहता है जीशो यार तू तो काफ़ी थका हुआ लग रहा है। और तभी हम देखते हैं मतलब जीशो से कहते हैं कि जीशो यार तुम तो काफ़ी थके हुए लग रहे हो। जीशो कहता है कुछ नहीं बस कुछ काम था तो मैं थोड़ा थक गया हूँ। और तभी जीशो को पीछे से आवाज़ आती है हनी, और ऐसा सुनते ही साथ जीशो को मतलब नॉर्मल सी बात है उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन आ चुका है, और जीशो कहता है कहीं वो तो नहीं। और तभी जो है जो दाजी होती है उसके साथ लिपट जाती है और कहती है यानी मैं आपके साथ स्कूल आ गई हूँ, और यहीं पे जो है वो उसको क्यूट नज़रों से कहने लगती है कि मैं भी आ गई और आपके साथ ही चलूँगी। और तभी हम देखते हैं जो जीशो होता है वह कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चली जाओ। दाजी कहती है नहीं मैं भी आपके साथ अकेडमी चलना चाहती हूँ। तभी वो पीछे से वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो सीटी मारने लगता है, कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा यार। जीशो कहता है कि प्लीज़ किसी को बताना मत, पर वो सिक्योरिटी गार्ड उससे मतलब जो जीशो होता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें स्पाइसी नूडल का कप खिलाऊंगा, और उसको कहता है कि वो किसी को ना बताए। और तभी जीशो वहाँ से चला जाता है दाजी को लेके और कहता है आखिर तुम घर पे क्यों नहीं रही, मैंने तो तुम्हें घर पे रुकने के लिए कहा था तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दाजी कहती है कि मेरे को आपकी फ़िक्र हो रही थी और इसीलिए मैं भी आपके साथ अकेडमी चली गई, और क्या आप मतलब काफ़ी मतलब गुस्सा हो। और तभी जीशो उसकी तलवार देखता है और कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, और कहता है कि बस जो है स्कूल में बात बदलने के लिए कहता है, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। और यहीं पे जो दाजी होती है वो कहती है कि हाँ ऐसे पैसे ये तो शायद मेरे पास हैं, और जीशो कहता है क्या तुम्हारे पास हैं, और तभी दाजी कहती है ये रहे ये गोल्डन पिगी बैंक जैसे। और ये देख के तो भाई जीशो और भी डर जाता है और कहता है भाई इसने क्यों करा, मेरी सालों की मेहनत पे इसने हथौड़ा मार के मेरा पिगी बैंक तोड़ दिया। और वो जो दाजी के कंधे पे हाथ रखता है कहता है कि तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेने से पहले मेरे से 3 वादे करने होंगे,
पहला कि तुम्हें अपना नाम रिवील नहीं करना है, दूसरा कि किसी को तुम ये नहीं बताओगे कि तुम डीमन हो, और तीसरा कि तुम अपनी पावर्स का यूज़ स्कूल में नहीं करोगी। दाजी तीनों वादों को मानती है, और तभी हम देखते हैं कोई ऊपर से देख रहा होता है, और वहाँ पे उसके पास एक छोटा सा चूहा जैसा, मतलब माउस जैसा भी बोल सकते हो, माउस जैसा, मैं नाम याद नहीं आ रहा, बट वो माउस जैसा दिखता है, और वो कहता, उसका नाम कीकी होता है, वो कहता है मेरे को कुछ डिमोनिक पावर सेंस हो रही है, तो हमें लगता है ये ग्रैंडपा को बता देना चाहिए। और उसके साथ लड़की होती है, कहती है हाँ, और तभी तो स्कूल का सीन दिखाया जाता है जो कि जीशो की क्लास होती है। जीशो अपने बिग बैंग के सामने रो रहा होता है और कहता है यार काश अगर मेरे को पता होता तो मैं पहले ही इसको लेके भग जाता घर से। और तभी मोटा बंदा आता है और कहता है यार जीशो, यो जीशो, तुम्हें पता है मैंने टीचर्स को एक लड़की के साथ आते हुए देखा, मेरे ख्याल से एक नई लड़की एडमिशन ले रही थी, तभी उसके बगल से एक लड़की आती है और कहती है मोटे हट यहाँ से, और तभी वो मोटा हटता है और सॉरी कहता है। वो लड़की बगल में जाके जीशो के बैठ जाती है, और तभी हम देखते हैं जो प्रिंसिपल होते हैं वो वहाँ पे, मतलब जीशो कहता है कि लगता है प्रिंसिपल आ रहे, जाओ जाके बैठ जाओ अपनी सीट पर, और तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, और आज हमारे साथ जो है एक और न्यू क्लासमेट आने वाली है। तो तभी न्यू क्लासमेट जो है एंट्री करती है, सारे लोग मतलब उसी की तरफ देख रहे होते हैं, लड़कियों की लड़का होगा, तो वो देखते हैं कि ये तो भाई लड़की, और सारे लड़के पागल होने लगते हैं और कहते हैं भाई ये तो कितनी सुंदर है भाई, और तभी देखते हैं ये असल में डाजी रहती है जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में होती है, और सारे लोग मर रहे होते हैं, और काफ़ी कहते हैं कि भाई ये कितनी सुंदर है, आज तो क्या ही मज़ा आ जाएगा भाई, आज तो इसको तो मैं ही पटाऊंगा, और भाई क्या ही लोग बोल रहे हैं। तभी जो सर होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दो मिस सू, और हाँ दाजी ने अपना नाम चेंज करके सू रखा है। और यहीं पे जो सू होती है वो कहती है कि मैं असल में जीशो की फियांसी हूँ, नाइस टू मीट यू और थैंक यू और बाय बाय। और ये बात सुन के सारे लड़के चौंक जाते हैं और कहते हैं भाई जीशो जीशो ये क्या गेम खेला है भाई तूने, हम जैसे दोस्तों को तूने पीछे छोड़ दिया, हाँ पीठ पीछे वार करता है। और तभी हम देखते हैं टीचर्स हैरान हुए होते हैं और कहते हैं सू आपका मजाक बहुत अच्छा था, जो दाजी होते हुए कहती है वो मजाक नहीं कर रही, वो सच कह रही है, तभी टीचर्स कहते हैं अच्छी बात है तो अब जाके सीट चुनो अपनी। जो दाजी होती है वो एक सीट लेती है, खाली सीट लेती है, और जीशो के बगल में जाके बैठती है और कहती है ये रही मेरी बेस्ट सीट। अभी हम देखते हैं जो टीचर रहते हैं वो कहते हैं दाद मिस सू आप ये क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे नहीं बैठना, और ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है, और आप लगता है आप कुछ ज़्यादा ही हद से पढ़ चलेगी, तो जल्दी से मेरे ऑफिस में आइए। और तभी हम देखते हैं जो दाजी होती है वो कहती है जीशो से कि अब क्या होगा जीशो, जीशो कहता है कुछ नहीं बस जो सर का है वैसा करना, और अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा या उनको मारा तो फिर तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, वरना फिर तुम मेरे साथ पढ़ नहीं पाओगी, तो इसी वजह से सर को मारना मत ना, उनसे कुछ उल्टा सीधा बोलना। और तभी जीशो दाजी चली जाती है, तो जीशो कहता है फियो, अब दाजी चली गई है पर मेरे को इतना फोर्स क्यों महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मेरे को मारना चाहता है वो भी जान से। तभी हम देखते एक बंदा आता है, वही मोटा वाला लड़का आता है, कहता है भाई जीशो यार तेरी फ्योन्सी, वाह भाई वाह। और तभी जो जीशो होता है वो कहता है कि भाई तू जा यहाँ से, और तभी हम देखते हैं वो पीछे देखता है तो उसके पीछे काफ़ी सारे लड़के होते हैं जो कि काफ़ी गुस्सा होते हैं, जो कि दाजी को पसंद कर रहे थे, बट अब उन्हें पता चला कि फियांसी है तो वो काफ़ी डर रहे हैं। और तभी एक लड़की पीछे से बोलती है जीशो तुम बिल्कुल एक स्कम बैग हो, और मेरे को भी समझ में नहीं आया स्कम बैग क्या होता है, बट ये लड़की काफ़ी अजीब है, और तभी वो सब लोग उसको गंदा से रिएक्शन देते हैं क्योंकि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया होता। तभी हम देखते हैं एक मोटा लड़का, वहीं से मोटा लड़का आता है और कहता है भाई तो वो दाजी कहीं टीचर को मारे ना, और तभी जीशो कहता है भाई मैंने उसको समझा दिया वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगी। और तभी हम देखते हैं जो मोटा लड़का रहता है वो कहता है यार अगर कुछ भी सर ने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो, जीशो कहता है हाँ अगर सर ने कुछ ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा सा और ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा सा और ज़्यादा बोल दिया तो, अरे मैं तो जा रहा हूँ। और यहीं पे जो है वो जाने लगता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। भाई ये सब छोड़ो, मेरे को बेचारा इस बंदे पे तरस आ रहा है जिसको जीशो ने भागते हुए उड़ा दिया आसमान में, तो जाने दो भाई बंदे, उड़ता रह तू, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर, और अगली वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना, बाय बाय।